हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सैमसंग ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है अपने नोट 8 को, और नोट सीरीज तो ऑब्वियसली मार्केट में धमाकेदार परफॉर्मेंस देती है। और नोट 7 ने तो भाई बात दिल पे ले ली थी, धमाके धमाके करे थे। ऐसे में करना पड़ा था कंपनी को रिकॉल अपने डिवाइसेस को, नोट 7 जो यूनिट्स थी उन्हें करना था रिकॉल करना पड़ा था। ऐसे में जो है कुछ डिस्काउंट भी देखने को मिल रहा है जिन यूजर्स ने नोट 7 को यूज़ किया था और उन्हें प्रॉब्लम आई थी बैटरी की, तो ऐसे में जो है कुछ डिस्काउंट भी देखने को मिल रहा है नोट 8 पर उन यूज़र्स को। खैर ये तो अलग बात है, देखते हैं नोट 8 जो है फटेगा या नहीं फटेगा। आप मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, और आप इस वीडियो आगे देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नोट 8 की स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इसमें क्या नया है, क्या ट्रेडिशनल है, क्या ये किस तरीके से नोट 8 जो है किस तरीके से सैमसंग गैलेक्सी S8 और S8 Plus से डिफरेंट है, इस बारे में भी बात करूंगा, और साथ ही साथ दूंगा अपने एक पर्सनल ओपिनियन। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, बात करें सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 के कलर वेरिएंट्स के बारे में, तो यहाँ कलर वेरिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं चार। जो सबसे पहला है वो है मिडनाइट ब्लैक, अगला जो देखने को मिलता है वो मिलता है डीप सी ब्लू, ऑर्चिड ग्रे और मेपल गोल्ड। ये तीन कलर, डीप सी ब्लू, ऑर्चिड ग्रे और मेपल गोल्ड, ये तीन कलर जो है ट्रेडिशनल सैमसंग के ब्लैक कलर से हटके कुछ नए कलर देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं कितना कस्टमर्स जो है इसे पसंद करेंगे। तो यहाँ बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ डिस्प्ले में आपको देखने को मिलती है 6.3 इंच की क्वाड HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन है 2960x1440p का और पिक्सल डेंसिटी है 521 PPI की। आगे साथ ही साथ ऑब्वियसली नोट सीरीज की आन बान शान एस पेन आपको इसमें देखने को मिलता है, जिसमें है प्रेशर लेवल जिसका है वो है 4096, और उस पेन एस पेन की टिप की डायमीटर है वो है 0.7 mm, और साथ ही साथ जो पेन है वो आपको मिलता है IP68 सर्टिफाइड। और भी बहुत सारे बाकी जो पेन से आप काम करते हैं वो सभी आपको देखने को मिलेंगे, कोई नया फीचर नहीं है इसमें। साथ में अगर आगे बढ़ के बात करें इसके कैमरा के बारे में, तो यहाँ आपको फ्रंट में मिलता है एक 8 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस कैमरा, जिसका एपर्चर है F1.7 और पिक्सल साइज है 1.22 माइक्रोमीटर्स का। सिलेक्टिव फोकस है, वाइल्ड सेल्फी क्या होता है पता नहीं, लेकिन इसमें है फीचर, ये मैं आपको बता देता हूँ। रियर कैमरा की बात करूँ तो यहाँ आपको पहली बार सैमसंग में देखने को मिलेगा डुअल कैमरा सेटअप, जिसमें कि दोनों जो कैमराज है वो है 12 मेगापिक्सल के। जो पहला कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का, जिसमें कि पिक्सल साइज है वो है 1 माइक्रोमीटर का और अपर्चर आपको देखने को मिलता है F2.4 का। साथ ही साथ जो दूसरा कैमरा है, डुअल कैमरा सेटअप है, दूसरा कैमरा वो भी 12 मेगापिक्सल है, जिसका पिक्सल साइज आपको देखने को मिलता है 1.4 माइक्रोमीटर्स का। फील्ड ऑफ व्यू है 77 डिग्रीज, और जो पहला कैमरा था उसका फील्ड ऑफ व्यू था 45 डिग्रीज, तो यहाँ पर जो है एक कैमरा है उसका एंगल मिलता है वाइड एंगल कैमरा। साथ ही साथ इसमें पैरानोमा है, सेकंड कैमरा में पैरानोमा का फीचर आपको देखने को मिलता है, स्लो मोशन, हाइपरलैप्स और फूड मोड, क्या होता है सो फूड मोड ये तो पता नहीं मुझे, और सेव एज रॉ फाइल, ये भी कोई नया फीचर है शायद, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन साथ ही साथ और आगे बढ़े फ्रंट कैमरा की तरफ, तो यहाँ फ्रंट कैमरा में HDR यानी कि हाई डायनेमिक रेंज, वर्चुअल शॉट्स, मोशन फोटो फिल्टर, ग्रिड लाइंस, लाइव स्टिकर स्टैम्प्स, टाइमर, लोकेशन टेक्स्ट, वॉइस कंट्रोल, क्विक लॉन्च वगैरह जैसे बहुत सारे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो रियर कैमरा है उसमें आपको देखने मिलता है 2x ऑप्टिकल जूम और साथ ही साथ 10x का डिजिटल जूम। ऑप्टिकल जूम तो अच्छा होता है, डिजिटल जूम जो है उसमें क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है, मैं आपको बता दूं। और साथ ही साथ बात करें इस फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग की कंटेंट के बारे में, तो यहाँ आपको जो फोन है नोट 8 वो आपको 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग को कैपेबल बनाता है, आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K में, वीडियोस को अपने फोन से 4K में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो FPS होगा रिकॉर्डिंग का वो होगा 30 FPS, और साथ ही साथ इसमें 1080p का HD वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट भी है, जो कि आप कर पाएंगे 30 FPS और 60 FPS पर, साथ ही साथ 720p पर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS पर। साथ ही साथ इसमें वीडियो डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन भी है, यानी कि अगर आप जूम करके वीडियो कैप्चर कर रहे हैं तो आप स्टेबलाइजर को यूज़ कर सकते हैं अपने इमेज को, अपने वीडियो को स्टेबलाइज करने के लिए। साथ ही साथ इसमें 2x का वही ऑप्टिकल जूम और 10x का डिजिटल जूम देखने को मिलता है, और हाई CRI LED फ्लैश भी देखने को मिलता है, स्लो मोशन वीडियो सपोर्ट भी देखने को मिलता है यहाँ पे 720p पे, और FPS है वो है 240 FPS स्लो मोशन में। हाइपरलैप्स वीडियो रिकॉर्डिंग विद स्टेबलाइजेशन इज ऑल्सो अवेलेबल हियर, और फेस डिटेक्शन है, ट्रैकिंग ऑटो फोकस है, 9 मेगापिक्सल की इमेज भी कैप्चर कर सकते हैं अगर आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो साथ ही साथ रिकॉर्डिंग के साथ आप कैप्चर कर पाएंगे 9 मेगापिक्सल की एक इमेज साथ में। प्लेबैक जूम भी है, वीडियो लोकेशन टैग्स भी हैं, और
तो यार परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में यहाँ आपको प्रोसेसिंग के लिए मिलता है एक क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 835, और साथ ही साथ कुछ वेरिएंट्स में देखने को मिल सकता है सैमसंग का एक्जीनॉस का प्रोसेसर, ऑक्टो कोर प्रोसेसर है। और साथ ही साथ मेमोरी की बात करें तो यहाँ आपको जो नोट 8 मिलेगा वो मिलेगा 6 GB की रैम वाले वेरियंट के साथ। और ऐसा भी र्यूमर है लॉन्च के बाद जो है ऑब्वियसली जो लॉन्च इवेंट था उसमें 6 GB रैम थी, लेकिन अभी देखने को मिला है कि यहाँ पर जो एक 4 GB रैम का वेरिएंट भी देखने को मिलेगा। और जो इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो यहाँ आपको 64 GB, 128 GB और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ आपको ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलता है, और जिसकी स्पीड आपको देखने को मिलेगी 2 Mbps तक की। साथ ही साथ USB टाइप सी पोर्ट है, NFC सपोर्ट है, लोकेशन सेटेलाइट GPS, गैलीलियो, गोलनैस, बाइडू, बाइडू क्या होता है ये पता नहीं मुझे, लेकिन ये फीचर भी है, एंड ANT प्लस भी है, और वाईफाई वगैरह ये सारे फीचर्स इसमें मिलेंगे। एक्सपेंडेबल मेमोरी इसमें है 256 GB तक, मुझे नहीं लगता इंटरनल स्टोरेज 64 GB भी है तो इसे एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें एक्सपेंड करने की ज़रूरत पड़ जाती है। एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप बढ़ाइए या कम कीजिए, मुझे बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में आप कितनी मेमोरी यूज़ करते हैं अपने फ़ोन की। और साथ ही साथ इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको देखने मिलता है एंड्रॉयड 7.1.1 नोगट, और कंपनी कहती है कि आपको ओरियो का अपडेट भी मिल जाएगा। ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो यहाँ आपको अल्ट्रा हाई क्वालिटी ऑडियो प्लेबैक मिलता है, और यहाँ पर आप ब्लूटूथ से दो डिवाइसेस को, दो स्पीकर्स को एक साथ कनेक्ट करके जो है आप सुन सकते हैं इसकी ऑडियो को, जिससे कि आपका जो है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है ऑडियो को सुनने का। और साथ ही साथ वीडियो में आपको जो वीडियो फॉर्मेट सपोर्ट मिलता है, किस किन किन फॉर्मेट की वीडियो को ये चला पाएगा, तो वो है MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV और WEMV, WEB। वाटर असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको अपना नोट 8 और एस पेन दोनों जो है IP68 सर्टिफाइड मिलते हैं, यानी कि जो है आपको अपने डिवाइस को 1.5 मीटर्स तक की डेप्थ में जो है 30 मिनट्स तक यूज़ कर पाएंगे पानी में। अगर आपको IP रेटिंग्स के बारे में कुछ थोड़ा बहुत नहीं पता है या फिर आप जानना चाहते हैं कि IP रेटिंग्स क्या होती है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैं आपको कार्ड्स में दे दूंगा लिंक। तो यहाँ बैटरी की बात करें तो यह बैटरी कर दी गई है कम, पिछली बार नोट 7 के खतरे के हिसाब से देखते हुए जो है कंपनी ने बैटरी को थोड़ा कम रखा है। जो बैटरी आपको देखने को मिलती है वो मिलती है 3300 mAh की बैटरी। और बैकअप की बात करें तो यहाँ पे MP3 प्लेबैक जो टाइम मिलता है वो आपको मिलता है 47 आवर्स, और वीडियो प्लेबैक का टाइम मिलता है वो मिलता है अप टू 16 आवर्स। टॉक टाइम के लिए मिलता है आपको 22 आवर्स तक का बैकअप, और इंटरनेट यूसेज जो है वाईफाई अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 14 घंटे तक का बैकअप देखने को मिलेगा, और 3G पे अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा 12 आवर्स का बैकअप और 13 आवर्स का बैकअप मिलेगा अगर आप 4G कनेक्टिविटी को यूज़ करते हैं इस फोन में। चार्जिंग की बात करें तो यहाँ आपको चार्जिंग देखने को मिलती है फास्ट चार्जिंग, दोनों ही वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है ये डिवाइस, फास्ट चार्जिंग है वायरलेस वाली भी, डोंट बी कन्फ्यूज। और साथ ही साथ जो है WPC और PMA वायरलेस चार्जिंग कंपेटेबल ये डिवाइस है। सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पर तमाम सेंसर देखने को मिलते हैं, आपको आयरिस स्कैनर देखने को मिलता है जो कि S8 S8 Plus में भी था, फिंगरप्रिंट सेंसर वही ड्यूअल कैमरा सेटअप के बिल्कुल बगल में जो टेढ़ी करके उंगली घुसा के आप जो है यूज़ करेंगे इसे साथ ही साथ, लेकिन आयरिस स्कैनर जो है वो आपकी आंखों को यूज़ करेगा अनलॉक करने के लिए, तो ऐसे में जो है आप ज़रूरी नहीं है फिंगरप्रिंट सेंसर को ही यूज़ करें। अगर आपको नहीं पता है कि आयरिस स्कैनर्स या फिर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर्स ये दोनों किस तरीके से वर्क करते हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको वहाँ पर कार्ड्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और बटन्स की बात करें तो यहाँ पर वही पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है, वॉल्यूम रॉकर की मिलती है, और साथ ही साथ बिक्सबी की भी देखने को मिलती है। पेमेंट्स की बात करें तो यहाँ ऑब्वियसली सैमसंग का डिवाइस है तो यूज़ की जाएगी सैमसंग पे एप्लीकेशन, यहाँ आपको इनबिल्ट देखने को मिलती है सैमसंग पे एप्लीकेशन, और बिक्सबी का सपोर्ट तो ऑब्वियसली मिलेगा ही। और यहाँ कस्टमाइजेशन की बात करें तो यहाँ आपको एज स्क्रीन में यानी एज पैनल्स देखने को मिलेंगे, पीपल एज स्मार्ट सेलेक्ट वगैरह वगैरह, यानी आप एजेस से ही कंट्रोल कर पाएंगे अपने डिवाइस, अपने एप्लीकेशंस को जो आप अक्सर यूज़ करते हैं उन्हें एजेस पे रखिए, स्वाइप कीजिए तो जो एप्लीकेशंस हैं वो तुरंत आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ आप अगर खरीदते हैं अपना नोट 8 तो ऐसे में आपको बॉक्स कंटेंट्स क्या देखने को मिलते हैं उस बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ आपको ऑब्वियसली सबसे पहले देखने को मिलेगा अपना वही नोट 8 डिवाइस, साथ ही साथ इसमें मिलेगा एक एस पेन जो कि नोट 8 सीरीज की तो आन बान शान है, साथ ही साथ एक USB केबल जिसमें होगी USB टाइप सी, ईयरफोन्स देखने को मिलेंगे, सिम इजेक्शन टूल देखने को मिलेगा, और USB पावर एडेप्टर मिलेगा, माइक्रो USB कनेक्टर मिलेगा, पेन की निब्स मिलेंगी, और ट्वीजर्स, ट्वीजर्स क्यों दे रहे हैं भाई, ट्वीजर्स भी मिलेंगी, केस मिलेगा आपके लिए अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए, और क्विक स्टार्ट गाइड वही मिलेगी साथ के साथ। तो फ्रेंड्स अब बात आती है आपका जो नोटेड डिवाइस है वो है सिंगल सिम या फिर डुअल सिम डिवाइस, तो यहाँ पर बाकी स्मार्टफोन्स जो कर रहे हैं वही सैमसंग ने किया, यहाँ आपको देखने को मिलता है एक हाइब्रिड सिम स्लॉट, अगर आपको नहीं पता हाइब्रिड सिम स्लॉट क्या होता है यहाँ कार्ड से जाके देख लीजिए।
तो हाइब्रिड सिम स्लॉट में मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पर जो हाइब्रिड सिम स्लॉट होता है वहाँ पर एक सिम स्लॉट तो अलॉटेड होता है सिम के लिए, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा स्लॉट जो होता है वो स्लॉट होता है सिर्फ, या तो आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर एक सिम या फिर वहाँ पर एसडी कार्ड यूज़ कर पाएंगे। यानी आप या तो दो सिम यूज़ कर पाएंगे या फिर एक सिम और एक एसडी कार्ड यूज़ कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता एसडी कार्ड को यूज़ करेगा, 64 GB भी इंटरनल स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है। अब बात आती है कि इसके कुछ नया फीचर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है अगर आप S8 S8 Plus यूज़ कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर जो है नोट 8 पर अपग्रेड करना कोई ज़्यादा अच्छा फैसला होगा या आपके लिए कोई अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि यहाँ पर नोट 8 में जो फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं वही सेम फीचर्स यहाँ आपको देखने को मिलते हैं नोट 8 में। बस जो स्क्रीन साइज़ है वो S8 Plus से 0.1 इंच बड़ा है, कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो कैमरा सेटअप है वो डुअल कैमरा सेटअप, ये एक नई चीज़ लेके आया है सैमसंग। तो पर्सनली तो S8 Plus भी बहुत अच्छा है और नोट 8 भी अच्छा है। तो S8 Plus अगर कोई यूज़ कर रहा है तो मुझे नहीं लगता उसे कोई अच्छा मन करेगा ऐसा अपग्रेड करने का नोट 8 पर। लेकिन अगर आप डायरेक्टली नोट 8 परचेज करना चाहते हैं, अगर आपके पास से कोई सैमसंग का पुराना डिवाइस है S8 Plus आपने यूज़ नहीं किया, तो S8 Plus का एक्सपीरियंस और साथ ही साथ नोट 8 का एक्सपीरियंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा नोट 8 में। तो यहाँ पर एक रफ आइडिया जो है इंडिया में लॉन्च होने के बाद जो एक रफ आइडिया कॉस्ट का है वो ये है कि आपको जो है ये स्मार्टफोन पड़ेगा 60 to 70 thousand की रेंज में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए। साथ ही साथ कमेंट्स में बताइए मुझे कि आपको क्यों पसंद नहीं आई या क्यों पसंद आई वीडियो। और साथ ही साथ आपको ये वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अरे हाँ, वो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलेगा। हाँ ठीक है।